स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अग्रीमेंट को लेके जो कि साइन किया गया है इंडिया और यूएसए के बीच में, और इसके अंतर्गत एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ALUAV बनाए जाने वाले हैं। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट अग्रीमेंट है जिसको लेके जो वार्ता है वो पिछले 1.5 सालों से चल रही थी। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी कि DTTI के अंतर्गत किया गया है, जिसकी कई सारी जो मीटिंग है वो कंडक्ट की गई है। बेसिकली यहाँ पे होने क्या जा रहा है, US Air Force की रिसर्च लेबोरेटरी, इंडियन एयर फोर्स की लेबोरेटरी और DRDO ये तीनों ही मिलकर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप में काम करने वाले हैं, जहाँ पे जो आपके एयर लॉन्च UAV हैं उन पर रिसर्च की जाएगी, डेवलप किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी और जो इवेल्युएशन है वो सारी चीजें यहाँ पे होगी। तो कहीं के जो एक एडवांटेज है वो भी आपको मिलेगा, एक एक्सपीरियंस पार्टनर के साथ काम करने पे जो एडवांटेज है वो आपको जरूर यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मतलब कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होगा उसको देखने के लिए कुछ कंपनियों को सेलेक्ट किया गया था और ये कंपनियां 46 के नंबर में थी। इंटरेस्टिंगली बेंगलुरु बेस्ड जो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है वो भी इन 46 कंपनियों में है जो कि ऑलरेडी एयर लॉन्च यूएवी पे काम कर रही है HAL के साथ मिलके। तो यहाँ पे कहने की जो ड्रोन का आकार होगा एयर लॉन्च ड्रोन का वो कंसिडरेबली बड़ा होगा। इसी में बात करते हैं एक और अपडेट के बारे में जिसको रिपोर्ट किया लाइफिस्ट ने, और यह भारत के सॉम ड्रोन को लेके। हम सभी देख चुके हैं पिछले आर्मी डे पे जो एक डिस्प्ले है सॉमिंग ड्रोन का वो दिखाया गया था, जहाँ पे भारत की प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी बनाए गए ड्रोन थे सॉम ड्रोन उनको एप्लीकेशन में लाके एक डेमो रखा गया था। उसके बाद इन ड्रोन के जो ट्रायल वो थर्ली कंडक्ट किए गए हैं राजस्थान के तेज टेरेन में, और जो कोल्ड वेदर ट्रायल है वो भी इसके कंडक्ट किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे इसको लेकर रिपोर्ट ये है कि तकरीबन 100 के नंबर में जो सॉम UAV है उसको प्रिक्योर करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी, और यहाँ पे जो सॉम ग्रुप होगा उसमें ड्रोन के साइज अलग होंगे और टाइप भी अलग होंगे। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि एक ही सॉम में ये रोटरी विंग तो होंगे ही, पॉसिबल यहाँ पे ये भी है कि जो इनका फिक्स्ड विंग UAV है वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर हम पीछे ही बात कर चुके हैं कि इनका जो फिक्स्ड विंग UAV है उनके भी ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे थे कुछ मंथ पहले ही। तो पॉसिबली सॉम ग्रुप में फिक्स्ड विंग के साथ साथ जो आपके यूजुअल रोटरी UAV है वो भी होंगे। सो ये एक अच्छी खबर है जहाँ पे आम फोर्स से जो एक भरोसा है वो दिखा रही है भारत के प्राइवेट कंपनियों में और स्वदेशी टेक्नोलॉजी में। इसी में हम बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में जो कि भारत के INS ध्रुव के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि एक मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंट शिप है यानी कि MRIS है, जिसको बनाया गया मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए, स्पेशली जो आपके न्यूक्लियर पेलोड वाले मिसाइल्स हैं उनको ये ट्रैक करेगा एक लॉन्ग दूरी पे। तो इसको लेकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ऑफिशियल इंडक्शन है वो जल्दी कंडक्ट किया जाएगा NSA डोवाल के द्वारा अगले हफ्ते। अगर इस शिप पे क्रू मेंबर की बात करते हो तो नेवी के पर्सनल हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के होंगे और संभव है कि जो NTRO हैं वहाँ के भी कुछ पर्सनल होंगे। जहाँ तक बात है MRIS की, तो इस तरह के इनिशियली 2 शिप बनाए जाने थे। पहला ये आपका बना है प्रोजेक्ट BC-11-184 के अंदर, और जो सेकंड MRIS है वो DRDO टेक्नोलॉजी वेसल के रूप में आपको दिखाई देगा, जहाँ पर जो उसके रोल होंगे वो वर्सेटाइल रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।